तो कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक किस तरह से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और इस महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं, इन सब विषय को लेकर हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने बात की। लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सरकार सारे प्रयास कर रही है इसको रोकने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि 21 दिन का लॉकडाउन भी किया, लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ये महामारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस समय लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट के युवा विधायक, जोशीले विधायक सुरेश चंद तिवारी मौजूद है, जो कि क्षेत्र में जनता के साथ बराबर लड़ रहे हैं, उनको सुविधाएं दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस कोरोना से कैसे लड़ा जा रहा है। सर, आपका लाइव टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना पूरी दुनिया के अंदर महामारी के रूप में धारण कर चुका है। भारत में जैसे ही कोरोना ने दस्तक दिया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। देश को जागरूक करने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को पूरे देश के नागरिक जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे और अपने अपने घरों में बालकनी में खड़े होकर जो इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं उनकी प्रशंसा के लिए ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, शंख बजाएंगे और पूरे देश को जागरूक करेंगे कि यह कोरोना महामारी भारत में दाखिल हो चुकी है। हम सब संपूर्ण देश एक है, एक होकर इस कोरोना महामारी को भारत से भगाएंगे। और उसके दूसरे दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन भारत में घोषित कर दिया। 21 दिन के लॉकडाउन में पूरे देश अपने अपने घरों के अंदर कैद रहा। भारत के संपूर्ण नागरिक अपने घरों में रहे और देश के कोरोना योद्धा, मीडिया, डॉक्टर, पुलिस, डाकघर, होमगार्ड, सभी भारत के जो कोरोना योद्धा हैं अपने अपने मोर्चे पर डट कर खड़े हो गए और आज हम यह स्थिति है कि भारत ने पहले लगभग कोरोना को नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन बीच में ही जमात के लोगों द्वारा देश के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, प्रदेशों की सरकार लगातार कहती रही कि जमात में जो जो लोग सम्मिलित हुए वह सामने आवे, अपने के जांच करावे और भारत से कोरोना को बाहर निकालने में अपना सहयोग दे। लेकिन उनके द्वारा कुछ अव्यवस्था उत्पन्न की गई, लेकिन अब वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश के अंदर किसानों को, मजदूरों को, ठेला रोजगार वालों को सबकी चिंता करी। किसानों को अलग सुविधा, जो उनको 2,000 रुपए, 6,000 रुपए मिलते हैं, 2,000 रुपए की किस्त जारी कर दी।
प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम योजनाएं सभी के लिए जारी कर दी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना मत भारत के प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जमातियों द्वारा कुछ कुछ क्षेत्रों में ये जो कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि यह अवधि थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए। यह निर्णय हमारा प्रदेश नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जो भी निर्णय करेंगे, जो भी गाइडलाइन देंगे, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस गाइडलाइन पर चलते हुए, जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, कोई भूखा न रहे, यह संकल्प लेते हुए काम करते रहेंगे। ये तो हमारे साथ कैंट के ओजस्वी और तेजस्वी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी, जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है। इन्होंने चैनल के माध्यम से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिन रात क्षेत्र की जनता को समर्पित है। इनके क्षेत्र में या प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए सतत संकल्प है और बराबर कार्य कर रहे हैं। आप देखना है इतने जोश के साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही, पूरा देश लड़ रहा है कोरोना को भगाने के लिए, कितनी सफलता मिलती है। लाइव टुडे से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ।